हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स क्या हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन एयरफोर्स आने वाले कुछ दिनों में 1.25 लाख करोड़ रुपए की कीमत वाले 100 से भी ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने की प्रोसेस को शुरू करेगी और अपनी इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए इंडियन एयरफोर्स यूनाइटेड स्टेट्स, स्वीडन, फ्रांस और यूरोप जैसे ग्लोबल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स को बिल्डिंग प्रोसेस के लिए इनवाइट करेगी। इंडियन एयरफोर्स सरकार को पहले ही बता चुकी है कि वे इन फाइटर एयरक्राफ्ट को जल्द से जल्द हासिल करना चाहती है और इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि इन फाइटर एयरक्राफ्ट को इंटर गवर्नमेंटल डील के तहत खरीदा जाए ताकि ये एयरक्राफ्ट जल्द से जल्द इंडियन एयरफोर्स को मिल सके। मालदीव ने भारत द्वारा उपहार में दिए गए दो ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को भारत को वापस कर दिया है। ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक अब्दुल्ला यामीन सरकार ने इन हेलीकॉप्टर्स को वापस करने के पीछे के कारणों को फिलहाल स्पष्ट नहीं किया है और इसको लेकर अब्दुल्ला यामीन सरकार के साथ वार्ता की जा रही है। लेकिन एक टॉप मालदीव गवर्नमेंट सोर्सेज के मुताबिक इन हेलीकॉप्टर्स को वापस करने का एक मुख्य कारण यह है कि मालदीव सरकार इन ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स के बजाय एक ड्रोनियर मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट चाहती है और सरकार के इस फैसले को जस्टिफाई करने के लिए यामीन सरकार के सोर्सेज का कहना है कि इन हेलीकॉप्टर्स के लेटर ऑफ एक्सचेंज के एक्सपायर हो जाने की वजह से इन्हें वापस किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस लेटर ऑफ एक्सचेंज को हर 2 साल में रिन्यू किया जाता है और ये पहली बार है कि जब मालदीव सरकार ने इसको रिन्यू ना करने का फैसला लिया है। रविवार को लॉस्ट हुआ GSAT-6 से कम्युनिकेशन सैटेलाइट का कनेक्शन अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है और इसरो के एक ऑफिशियल का कहना है कि अगर ये कनेक्शन दोबारा से स्थापित नहीं हो पाता है तो ये इसरो के लिए 270 करोड़ रुपयों का नुकसान होगा। हालांकि इसरो ऑफिशियल्स का कहना है कि सैटेलाइट के कम्युनिकेशन को फिर से शुरू करने को लेकर प्रयास चल रहे हैं और इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन ने बताया कि हर बार जब भी लॉन्च में अगर कोई खराबी होती है तो उसके संकेत पहले ही मिल जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है और इसमें खराबी के कोई भी संकेत नहीं पाए गए हैं और एक यही कारण है कि सैटेलाइट के कम्युनिकेशन को फिर से शुरू किए जाने में काफी समय लग रहा है। हम आपको बता दें कि अगर GSAT-6A का कम्युनिकेशन सिस्टम फिर से शुरू हो जाता है तो ये सैटेलाइट इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी क्योंकि ये सैटेलाइट इंडियन आर्म फोर्सेस को रिमोट बॉर्डर एरियाज और माउंटेन्स में कम्युनिकेट करने में मदद करेगी। युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में सबसे आगे रहने के उद्देश्य से एलीट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी ने गृह मंत्रालय और टॉप नेशनल सिक्योरिटी प्लानर्स को अप्रोच किया है कि उनकी एक हाउस इंटरवेंशन टीम को जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में सपोर्ट प्रदान करने की अनुमति दी जाए। और नॉर्थ ब्लॉक ऑफिशियल्स ने इस बात की पुष्टि की है कि एनएसजी अपनी फोर्स को अत्याधुनिक बनाए रखने के साथ साथ फील्ड ऑपरेशनल एक्सपीरियंस को हासिल करने के लिए ऐसा कर रही है और इसके पीछे का एक कारण ये भी है कि एनएसजी अपनी लाइव ऑपरेशंस स्किल्स को परखना चाहती है। इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड ने एक नई पहल शुरू की है जिसके तहत इंडियन आर्मी में सर्विस कर रहे पर्सनल्स की फैमिलीज को भी सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। ऑफिशियल्स के मुताबिक यह कदम हाल ही में आर्मी कैंप्स में हुए आतंकी हमलों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है और ये ट्रेनिंग सेशन चंडी मंदिर में स्थित कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स यानी EME में आयोजित किया जाएगा, जहां मार्शल आर्ट एकेडमी के कई ट्रेन प्रोफेशनल्स सोल्जर्स की फैमिलीज को सेल्फ डिफेंस स्किल्स सिखाएंगे। तो आज का एपिसोड खत्म करने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। तो ये थे आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स। डिफेंस अपडेट के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें।